कालीन नगरी भदोही के रोटहा के एक कालीन कारखाने में भीषण ब्लास्ट की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। विस्फोट में 12 लोगों की मौत ने राज्य सरकार की जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। विस्फोट की भयावहता और मौतों को देखकर इसे सामान्य विस्फोट नहीं कहा जा सकता है। लखनऊ से आई फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से सबूत जमा कर रही है। दूसरी तरफ घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेसजनों की मांग काफी अजीबोगरीब रही। एक तरफ कांग्रेसजनों ने मृतक के परिवारों को मुआवजा की मांग की तो दूसरी तरफ खुफिया तंत्र के फेल होने का तोहमत सरकार पर मंडते हुए मामले की एसआईटी जांच तक की मांग कर डाली। भदोही जिला पुलिस प्रशासन रोटा विस्फोट को अभी सामान्य विस्फोट मानकर चल रहा है, लेकिन घटनास्थल से मिले हैंड ग्रेनेड में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध वस्तुओं ने पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया है। यही कारण है कि घटनास्थल पर बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। आईबी ने घटनास्थल से 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके मृतक बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम बिंदु यह है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में जिन 9 बुनकरों की मौत हुई है, बस यहाँ तो सिर्फ कालीन बुनाई का काम करते थे या फिर विस्फोट तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका थी। बुनकरों के माध्यम से ही कलियर और उसके बेटे पटाखा बनाने का धंधा शुरू किया या फिर बुनकरों में कोई ऐसा व्यक्ति था जो कालीन बुनाई के काम की आड़ में इस अपराध को अंजाम दे रहा था। फिलहाल ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इस जांच के बाद बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। जांच चल रही है, बाकी अलग से विस्फोट के बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आ गए थे, वो सब सैंपल कलेक्ट करके दे दिए गए हैं और फॉरेंसिक लैब आगरा को भेजा जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है और यहाँ पे जो है ये लगता है कि उसी की मात्रा बहुत ही अधिक थी, क्योंकि जितना भीषण धमाका हुआ है और पूरा जो है पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और लोग जो है चकनाचूर हो गए हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी एसआईटी जांच, क्योंकि इसमें कम से कम 13-14 लोगों की मृत्यु हो गई है। शासन ने भी 11 की पुष्टि किया है। जो है एक महिला की मृत्यु जो है अस्पताल में हुई हुई जो है ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस पे जो है सीधा सीधा एसआईटी जांच की मांग करते हैं, क्योंकि हमको तो ये इसके अंदर जो है कुछ दूसरा कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये जिस प्रकार की घटना हुई है इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्या ये स्थानीय स्तर पर प्रदेश सरकार की जो खुफिया तंत्र हैं क्या ये काम नहीं कर रहे थे, क्या ये पुलिस के संरक्षण में था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सर्वप्रथम सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के मृत लोगों को और जख्मी लोगों को सही उपचार और मुआवजे की बात कांग्रेस पार्टी रखती है।